हो जाएगा, थोड़ा सा और दर्द होगा। हाँ। रिलैक्स, हो गया, रिलैक्स। डॉक्टर मुबारक हो, बेटा हुआ है। जाकर देख सकता हूँ? व्हाई नॉट, अब जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। तुम्हारा छोटा भाई आया है, मैं अंदर जाकर देख कर आता हूँ, ठीक है? पार्वती, हेलो सर, आज हमें टेंडर मिल गया है सर। अच्छा? हाँ सर। वेरी गुड, थैंक यू। पार्वती, बेटे के साथ ही आज हमारा भाग्य भी खुल गया है। जिस कॉन्ट्रैक्ट को पाने की उम्मीद थी, आज वो मुझे मिल गया है। आपसे जो पैसा मैं कमाऊंगा, उसे बिजनेस में डालूंगा और इसके नाम से उसे जमा करूंगा। सुनकर बहुत अच्छा लगा। पार्वती? हाँ पार्वती, आ रही हूँ, एक मिनट। मैं ऑफिस जा रहा हूँ। बच्चे स्कूल चले गए क्या? हाँ, कब के गए? सुनो पार्वती। हाँ कहिए। तुम उसकी हर बात को मत माना करो, वैसे भी वो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। अभी वो बच्चा है जी, जब बड़ा हो जाएगा तो बदल जाएगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये बदलाव अभी से ही शुरू कर दो। कबड्डी 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 से जाने मत देना। कबड्डी 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 किसने किया ये? काली ने किया सर। ए काली, दिन ब दिन तुम्हारी बदमाशी बढ़ती जा रही है, अभी तुम्हारे पापा को फोन करता हूँ। हेलो, चंद्रशेखर जी बोल रहे हैं? अरे वो भाई, क्या गलती कर दी है तूने? पार्वती जीजू, पार्वती क्या हुआ जीजू? क्या हुआ जीजा जी? पार्वती क्या हुआ जी? कहाँ है वो? पर हुआ क्या है ये बताओ, कहाँ है वो? वो तो सो रहा है। हुआ क्या है जीजू? जीजू अरे सुनो तो, अरे आप तो उन्हें जाकर समझाओ। ए काली उठ जा, आज स्कूल में तूने क्या किया? कबड्डी खेल रहे थे। अब उस खेल में किसी ना किसी को तो लगता ही है। तू मुझसे इस तरह से बात करेगा? आपने सवाल पूछा और मैंने जवाब दिया। बोल, फिर करेगा तू ऐसा? डैडी मत मारिए, डैडी प्लीज, डैडी मत मारिए, डैडी मत मारिए, प्लीज डैडी मत मारिए, डैडी मत मारिए। फिर करेगा ऐसा? ऐसा करेगा तू? अगर आप ऐसे ही मारते रहेंगे तो मैं घर से भाग जाऊंगा। छी,
क्या हुआ जीजू? मुझे डिस्टर्ब मत करना। जीजू, जीजू। लड़के को बाहर निकालो। मारपीट करके आया है। बहुत झगड़ा किया उसने। टांग टूट गई है। बच्चों को पैर बुलाइए। सुनो नागभूषण, देखो उन्हें क्या चाहिए। देखकर यहाँ से दफा करो। क्या बात है, क्या बात है? आप लोग यहाँ भीड़ में चिल्ला क्यों रहे हैं? आपके बेटे ने स्कूल में मेरे बेटे की टांग तोड़ दी। अरे खेल कूद में ऐसा होता रहता है। अब इसे लेकर आप पखेड़ा खड़ा करेंगे? बच्चे की टांग टूट गई है, आपको बुरा लगता है? टांग टूटने पे इतने हल्ला क्यों कर रहे हो? एक लड़के का हाथ तोड़ के आया था, उसे 10,000 रुपए दिए थे, और जिसकी गर्दन तोड़कर आया था उसे हमने 25,000 रुपए दिए थे। इतना ही नहीं, कुछ दिन पहले काली ने एक शराबी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। अब वो कभी बाप नहीं बन सकता। उसे कितने पैसे दिए? एक पैसा भी नहीं। जिस आदमी को काली ने पीटा उसकी वाइफ आके उसे चूम कर गई। ये बातें छोड़िए सर, अब इसका क्या करेंगे? बताइए जीजू, वो 2,00,000 रुपए मांग रहे हैं। देकर यहाँ से दफा करो। 1,00,000 देंगे हम, चलो जाओ यहाँ से। 1,00,000 देंगे? एक टांग का 1,00,000 मिलेगा। दूसरी टांग तोड़वाओगे तो 2,00,000 रुपए मिल जाएंगे। काली को भेजो, दूसरी टांग तोड़नी है। जरूरत नहीं है, 1,00,000 चलेगा। इसे 1,00,000 रुपए दे दो। हाँ ये लो, 1,00,000 रुपए ले लो भाई। हाँ भाई, चलो जाओ यहाँ से। अरे कितने अजीब लोग हैं, चलो चलो। बड़े चालाक हैं, बैंडेज लगा के आ जाते हैं और लाखों रुपए ले जाते हैं। चलो कुछ कमाई हुई। अरे मत रो बेटा, बाहर रोज झगड़ा करके घर तक मत लाया कर। अपने डैडी की बात क्यों नहीं मानता तू? क्यों सुनो बात, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। ये क्या बात हुई भला, डैडी है वो तुम्हारे? देखो आप ही डैडी की साइड ले रही हो। तू मेरा लाडला बेटा है, मैं हमेशा तेरी ही साइड लेती हूँ। कल तेरी दीदी का जन्मदिन है, अब तू अगर ऐसा रहेगा तो क्या उसे अच्छा लगेगा? हाँ भाई, मेरे लिए थोड़ा सा खा लो। जाओ बेटा, अपने पापा का आशीर्वाद ले लो। हैप्पी बर्थडे मेरी बच्ची। थैंक यू डैडी। तुम्हारे लिए शाम को एक जबरदस्त बर्थडे पार्टी रखी है मैंने। तुमने अपने दोस्तों को, टीचर्स को इनवाइट किया है ना? किया है डैडी। क्यों जी, आज भी आप ऑफिस जा रहे हैं क्या? जाना तो होगा ही पार्वती, विदेश से इन्वेस्टर्स आए हैं, उनसे मीटिंग है। वो ऑलरेडी मेरा इंतजार कर रहे हैं वहाँ। शाम को पार्टी में तुम सबसे मिलता हूँ। बाय बाय बाय। एक्चुअली आई थ्री ब्रदर्स, आई ब्रदर थ्री ब्रदर्स, आई थ्री मदर्स आल्सो, थ्री सिस्टर्स सेपरेट एंड आई थ्री फादर्स, I three fathers, no separate. I think आप मिस्टर चंद्रशेखर राव के खून के रिश्तेदार हैं। कोई खून का रिश्ता नहीं है, उनका ब्लड ग्रुप O है। करेक्ट। और हमारा ब्लड ग्रुप ब्लड शुगर। I'm gorilla of चंद्रशेखर। Gorilla? No, not gorilla. Brother-in-law. That's right. We are well-wisher and kingfisher of चंद्रशेखर brother-in-law. देखिए, ये दिमाग है और ये दिल है और मैं किडनी हूँ। हाँ जीजू, उन फॉरनर्स को मीटिंग हॉल में लेकर के आओ। प्लीज साइन। अरे तो साइन करने बोल रही है? हाँ। अभी तक तो पढ़ा भी नहीं। जीजू रुकिए रुकिए, आप सोच समझ कर साइन कर रहे हैं ना? साइन करने से पहले सब कुछ सोच लिया है। अभी अगर हम इस बिजनेस में 50 करोड़ डालेंगे तो 15 साल बाद वो जाकर 500 करोड़ हो जाएगा। इसी वजह से मैंने इस बिजनेस के लिए हामी भरी है। बात ये नहीं है जीजू, ये डील फिरंगियों के साथ में है। पता नहीं 15 साल जिंदा रहेंगे भी या नहीं, इसीलिए कह रहा हूँ। तुम लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मैं तो जरूर जिंदा रहूँगा। और इन लोगों का क्या होगा? किसी को कुछ नहीं होगा। मैंने ये बिजनेस डील अपने बेटे कालेश्वर के नाम से ही किया है। बाप रे। 15 साल बाद जब इस पर वो साइन करेगा तभी 500 करोड़ रुपए उसे मिलेंगे। एनी डाउट? क्या बात है हासिनी, कोई खास बात? मेरा बर्थडे है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मैम, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे हासिनी। तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है? मेरे दीदी का बर्थडे है टीचर। तुम्हारे दीदी का बर्थडे है तो तुम यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनोगे? सॉरी मैम। ओके, इट्स ओके, इट्स ऑलराइट। हैप्पी बर्थडे हासिनी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे। क्या हुआ काली, कल स्कूल क्यों नहीं आया था? मेरे दीदी का बर्थडे है तो हम शॉपिंग करने गए थे। सुनो आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे डार्लिंग, उस तरफ देखो। हे तुम मुझे किस क्यों कर रहे हो? क्यों नहीं ले सकता क्या? Hey, stupid, तुमने मुझे किस क्यों किया? Hey, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी दीदी को किस करता है? तो उसमें क्या हुआ? मेरा मन किया तो मैंने किस किया। अच्छा, आगे भी मन करेगा तो किस करता है? ये ले। अरे अब्बा। टीचर, टीचर, देखिए आई गिर गई। मुझे चोट लगी है इसे। ए, ये तूने क्या किया? डैडी को पता चलेगा तो गुस्सा करेंगे। Thank you.
बच्चा भी है। उसकी हर छोटी बड़ी बात पर बिना सोचे समझे आपने उसे कितना पीटा है। भाग गया वो, पता नहीं कहाँ चला गया होगा मेरा बेटा। ऐसा मत कहो पार्वती। इस तरह बैठकर वक्त जाया करने से अच्छा है तुम कोई काम क्यों नहीं कर लेते, निठल्ले बैठे रहते हो। तुम मुझे करने कहाँ देती हो, सब खुद ही कर लेती हो। कुछ काम के होते तो हाथ लगाने देती। बात पूरी हो गई तो डोसा बना दो। मेरे लिए भी एक डोसा। ए, बना रही हूँ ना, चुप, यहाँ बैठकर बस घूरते रहते हो। एक नारियल पानी देना। ए नारियल पानी कैलिकान, हफ्ता निकाल, चल ले। लो भाई ये लीजिए। ये लो भाई। ए हफ्ता दे फटाफट। नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। तुलसी आंटी, मैं पापा के पास जाकर पैसे लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, जा जाकर ले आ। चलो सब लोग, हफ्ता निकाला फटाफट। चलो ए। अभी तक बोनी नहीं हुई है भाई। अब तक बोनी नहीं की तूने? मुझे बेवकूफ समझता है क्या? डोसा का पैसे दीजिए ना पापा। ए हफ्ता हफ्ता दे और इसको लेकर जा। भाई क्या कर रहे हो? अरे अपने बेटी को छोड़ दो। नहीं देगा तब तक तू मेरे साथ रहेगी। छोड़ दो मेरी बेटी को, भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो। कौन था वो जिसने मुझे बाटा मारी? तुम है? बच्चे की वजह से तुम सबके अंदर हिम्मत आ गई है। तुम सबको मैं देख लूंगा। शाबाश बेटा, इतने दिनों से हम इन गुंडों से डर डर कर जीते थे, तू यहाँ आया और हम सबकी हिम्मत जगा दी। पर वैसे तू है कौन? इस इलाके में पहले कभी देखा नहीं। तेरी माँ का नाम क्या है? तेरे पिता इसी इलाके में रहते हैं क्या? मेरा कोई अपना नहीं है, मैं एक अनाथ बच्चा हूँ। हे बाबा, अरे बच्चे तू अनाथ कैसे हो सकता है? हम सब यहाँ है ना, अब तू हम में से एक है, हम तुम्हारे ही हैं। क्यों रे? आप हर साल अपने बेटे के नाम पर इतने कपड़े और अन्न दान करते हैं, आपका ये दान व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका बेटा एक दिन जरूर लौट आएगा, वो दुनिया में कहीं भी होगा आपके पास जरूर आएगा। इसी उम्मीद में तो जी रहे हैं। चलता हूँ बहन जी। पार्वती, मेरा बेटा जरूर लौटेगा। हाँ माँ, डैडी ने कहा ना कि भाई एक दिन घर जरूर लौटेंगे। मुझे पता नहीं। वो निकल। कौन है वो? बताओ वो कहाँ है? उधर उधर। चलो रे। अनाथ और डरे हुए लोगों को क्यों धमकाते हो तुम लोग? अगर ये डायलॉग हीरो मारता तो उसकी आवाज में दम होता ना, पर अगर बागी और रेबल स्टार मारता है तो उसकी आवाज में दम होता है, और मेरे जैसे मारे तो स्टाइलिश लगता है। अब बताओ मैंने मारा तो कैसा लगा तुमको सुनने में? एक गुंडा बनने के लिए
दम दम होना चाहिए उसमें। अच्छा, तुझ में इतना दम आ जाए। दम है तो आना, आ पकड़ा उसे। क्या रे मदन, बोलो भाई। बाबा के वहाँ शादी हो रही है ना, सब कुछ वहाँ सही से होना चाहिए। ठीक है, मुहूर्त होगा तो पहुँच जाऊंगा मैं। ठीक है, चिंता मत कर। क्या बेटा, इतनी लेट से क्यों आ रही हो? सॉरी अंकल, थोड़ी देर हो गई। आंटी कहाँ है? यही कहीं होगी, देख लो। हाँ हाँ, अंदर होगी, जाओ। नमस्ते, हाय श्री देवी। नमस्ते, नमस्ते। hey, जाकर वहाँ माला दे दो, जा। ठीक है भाई। मदन, कैसी चल रही तैयारी? बहुत बढ़िया। ये लो। थैंक यू डार्लिंग। ओके। बस करो यार। आजकल शादी कितनी अलग हो रही है ना? हाँ सही कहा, हर चीज आजकल तैयार मिलने लगी है। ए सुन। क्या आंटी, दिन पे दिन निखरती जा रही है आप तो। कुछ भी कहता है, मैं तो पहले से निखरी हुई हूँ, तूने देखा नहीं? तू इसे पहले से जानती है? हाँ, खेतों में मिला था। चुप कर। सुनिए जी, अब हम क्या करेंगे? क्या हुआ अंकल, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? अब हम क्या बोलें बेटा, हमारी किस्मत ही फूटी है। अरे शुभ मुहूर्त पे आप इतनी अशुभ बातें क्यों कर रही हैं आंटी? दहेज के पैसे में 50,000 रुपए कम पड़ गए बेटा, और लड़के वाले अड़े हुए हैं कि पैसे नहीं मिलेंगे तो वो लोग शादी नहीं करेंगे। अब हम क्या करें बताओ? बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं? मैं हूँ ना अंकल, मैं देखता हूँ ये शादी आगे कैसे नहीं बढ़ती है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तुम समझ नहीं रहे हो बेटा, ये जो कोटेश्वर राव है ना, वो पैसे का बहुत लालची है। लगता है मेरी बेटी की शादी नहीं हो पाएगी, इसीलिए परेशान हूँ। जब तक काली यहाँ पर है, ये शादी कोई नहीं रोक सकता, खुद ये शादी भी नहीं रोक सकती अंकल। ठीक है, मैं चलता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? बोरे पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे दो टुकड़े कर डालूंगा। खुद को समझते क्या हो? मुझे हल्के में ले रहा है ये। तुम्हारे बारे में यहाँ कौन नहीं जानता है? पूरे शहर में जब पैसों की बात आती है तो तुमसे बड़ा मक्खी चूस यहाँ कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ ये बात है। हाँ। तो 25,000 रुपए का इंटरेस्ट अभी तक क्यों नहीं दिया तुमने? दे दूंगा, जल्दी क्या है। हाँ तो दे दो, दे दो, जल्दी से दे दो। सोच क्या रहे हो? अरे ये लड़की वाले कहाँ चले गए? अरे आप भी कोटेश्वर राव, शादी में भी पैसों की बात लेकर पड़े रहते हो। क्या बात है सावित्री बहन, बहुत महंगी साड़ी पहन कर आई हो। मेरे 10,000 रुपए कब लौटा रही हो बोलो? अरे आप तो मेरे पीछे ही पड़ गए। तुम कोई हीरोइन हो जो पीछे पड़ूंगा? अरे अरे ये लोग कहाँ गए? रुक जाओ, रुक जाओ। आप लोग रुक जाइए पंडित जी। क्यों रोके, शादी का मंत्र है, कोई गाना नहीं? सुनिए पंडित जी, यहाँ मजाक नहीं हो रहा है, यहाँ दहेज का मामला सेटल नहीं हुआ है और आप लोग शादी करवा रहे हैं। असल में लड़के का बाप मैं हूँ कि आप हैं? कहाँ गया लड़की का बाप, कहाँ गया? सुनिए जी, सुनिए, कुछ कीजिए। आप यहाँ पर हैं, बाकी के पैसे आप दे रहे हैं कि नहीं, बोलिए। समझी जी,
मेरा यकीन मानिए, बेटे से कहिए कि मेरी बेटी को मंगलसूत्र पहना दे। समझे जी, प्लीज ये शादी मत रोकिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ये नाटक बंद कीजिए। आपका ये हाथ पैर जोड़ना और झूठे नाटक मैंने बहुत देख लिए। पैसों के मामले में मैं बहुत सख्त हूँ। चलो उठो सब लोग यहाँ से। अरे समझी जी, हमारी इज्जत पे ऐसे कीचड़ मत उछालिए। क्या कहा? मैं कीचड़ उछाल रहा हूँ? सुनिए, आप ही लोग सुनिए, ये बोल रहे हैं कि मैं बखेड़ा कर रहा हूँ। इन्होंने दहेज के बाकी पैसे यहाँ देने का वादा किया था। आप ही बताइए, मैंने अपने बेटे पर खर्च किए, उसे पढ़ाया लिखाया, अब उसकी शादी में अपनी इच्छा जाहिर करना कोई गलत बात है क्या? दहेज मांगना गलत है क्या? इन महाशय ने कहा था कि शादी से एक दिन पहले दहेज के बाकी के सारे पैसे दे देंगे, पर नहीं दिए। आज देने के लिए बोले थे, नहीं दिए। मंगलसूत्र पहनाते वक्त देंगे बोले थे, वो भी नहीं। और अब कह रहे हैं कि शादी हो जाने के बाद ये दहेज के पैसे देंगे। इतने वादे करके ये मुकर गए तो आपको क्या लगता है कि अब ये पैसे दे देंगे? अभी भी तुम वहाँ पर बैठे हो, चलो उठो। समझी जी, मुंह बंद करो। समझी जी बोलने आए हैं। ये लोग कौन है? ये लोग शादी में चीफ गेस्ट बनकर आए हैं। ये लोग दिखने में चीफ लगते हैं, चीफ गेस्ट कैसे हो सकते हैं? कोटेश्वर राव, ये वो लोग हैं जो दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। देखकर चौंकिए मत, ये सारे लोग इसलिए यहाँ पर आए हैं कि दहेज का जो भी पैसा बाकी है ना, वो सारा पैसा तुमको दे सके मिस्टर कोटेश्वर राव। अरे सुनो अम्मा, जरा इधर आओ। ये क्या नाटक कर रहे हो तुम लोग? चलिए अंकल, अब आपकी बारी। मिस्टर कोटेश्वर राव, ये रहा बाकी का दहेज का पैसा, रख लीजिए। भिखारियों से पैसे जमा करवा कर मुझे भिखारी साबित कर रहे हो तुम? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये पैसे। मिस्टर कोटेश्वर राव, आपको क्या लगा कि इन भिखारियों के अंदर दिल नहीं होता है? दिल होता है। वो दान के नाम पर हम लोगों से चिल्लर लेते हैं और हमारे पापों को धो देते हैं। ये लोग महान आत्मा है। ये लोग हाथ आगे फैलाकर रोते हुए मदद मांगते हैं, भीख मांगते हैं, हमें हर पल याद दिलाते हैं कि अच्छाई के रास्ते पर चलो। ये लोग भीख मांगते हैं लेकिन इनका दिल बहुत बड़ा होता है कोटेश्वर राव। गिड़गिड़ाते हैं ये लोग, जो चाहे इन्हें दे दो ले लेते हैं। अगर आप इन्हें हड़काते हो, डांटते हो, भगाते हो, फिर भी आप लोगों से ये भीख मांगते रहते हैं और आपको दुआ देते रहते हैं, पर दूसरों की तरह कभी किसी का रेप या मर्डर नहीं करते। ये लोग तो आप जैसे बिल्कुल नहीं है। पाल पोस कर तुम अपने बच्चों को बड़ा करते हो, फिर उनकी शादी के लिए ऐसा रिश्ता ढूंढते हो कि तुम्हें बहुत सारा दहेज मिले। अगर कोई नहीं दे पाता तो तुम अपने बेटे की बाजार में बोली लगाते हो। भिखारी तो तुम जैसे लोग होते हैं और तुम्हारी इतनी हिम्मत इनके पैसे उछाल कर फेंक दो कमीने कहीं के। भीख मांगने वाले को कभी कम मत समझना मिस्टर कोटेश्वर राव। मैंने हमेशा पैसों को ही अहमियत दी, लेकिन आज तुमने इन भिखारियों के पैसे देकर मेरी आंखें खोल दी बेटा। बेटा, तुमने हमारी इज्जत बचा ली बेटा, हम तुम्हारा एहसान कैसे चुका पाएंगे? शुक्रिया। समझी जी, मुझे बाकी के पैसे नहीं चाहिए। बेटा, तुम मंगलसूत्र पहनाओ। हाँ, अरे भाई शहनाई बजाओ, शहनाई। उस लड़के ने बहुत ही बहुत बड़ा सबक सिखाया उसने। काली वाकई में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। एक्सक्यूज मी। अरे छुट्टा नहीं, आगे जाओ। हेलो, हम यहाँ भीख मांगने नहीं आए हैं। तो पोलियो का टीका लगाने आई हो क्या? शट अप। बाप रे, मैडम तो बहुत गुस्सा में है। अरे हमको भी बताइए कि आखिर हुआ क्या है। यहाँ एक
आदमी था ना उसका नाम? वो आदमी मतलब महेश बाबू ना, वो यहाँ नहीं रहते। अच्छा तो आप यूपी से आए हैं? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता चला? बात करने के स्टाइल से पता चला। अरे मेरे प्यारे चाचा जी, उस दिन श्रीदेवी की शादी में एक लड़का आया था ना, जिसने सबको हिला के रख दिया था, हम उसी को ढूंढ रहे हैं। ओ, काली की बात कर रही हो? वहाँ पीछे रहता है। थैंक्स। नहीं, चलो रे। कौन है ये लड़की? इसकी पहचान वाली होगी। अच्छा, काली बाबू के घर ढूंढत भाई लोग। काफी पूजा पाठ वाला धार्मिक लगता है। नमस्ते काली जी। क्या बात है? सर, हमें आपकी छोटी सी हेल्प चाहिए थी। तुम लोग बस अपनी प्रॉब्लम बताओ। हेल्प छोटी हो या बड़ी, ये मैं तय करूंगा। वो क्या है ना, हम लोग म्यूजिक कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। सर, जब हम रोज कॉलेज से लौटते हैं तो उस वक्त कुछ गुंडे हमें बहुत परेशान करते हैं सर। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या आप अपने स्टाइल में उन्हें सबक सिखा सकते हैं सर? हाँ, तुम्हारी प्रॉब्लम तो मैं ठीक नहीं कर सकता। सर, आपके जैसा आदमी ऐसा कहेगा तो हम कहाँ जाएंगे सर? हमारी शादी की उम्र हो गई है। प्लीज सर, मदद की उम्मीद लेकर आए हैं हम। सर प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर। तुम लोग इतनी विनती कर रही हो तो मैं समझ सकता हूँ कि तुम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रही हो उनसे। अब कल से तुम्हें वो लोग कभी परेशान नहीं करेंगे, फिक्र मत करो, खुशी खुशी घर जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब सबक सिखाऊंगा इन्हें भी और उन्हें भी। वो असल में मजा चखाएगा। हाँ, सही कहा तुमने। हमने छोड़ा कॉलेज से। हाय निकली ये प्यारी प्यारी लड़कियां, कॉलेज से हाय निकली ये प्यारी प्यारी लड़कियां, हम भी तेरे दीवाने, हम भी तेरे आशिक हैं। ओहो, क्यों जाने मन, दिल लगाकर म्यूजिक सीख रही हो ना? तो देखो, दूल्हा कमरे में है और बड़ी हौर से उसकी दुल्हन दूध का ग्लास लेके आती है। दोनों मिलकर दूध पी लेते हैं। दूल्हा दुल्हन के सारे कपड़े उतार देता है। तीन समझ में आ गया ना, तो इसके हिसाब से मैच करते हुए गाना गाओ ना। छे, छे। ए, हाथ छोड़ मेरा। Hey, कौन है बे, कहां से आ गया? काली, कालेश्वर, क्यों सुहागरात पे तुझे गाना सुनना है ना? आ जा मेरे पास, तुम सबको बजा कर सुनाता हूँ। You're
अगर इस इलाके में कहीं भी आसपास नजर आया ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका ये एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे सर। अच्छा तो बिना कुछ दिए ही यहाँ से चले जाओगे क्या? आप बोलिए तो, आपको क्या चाहिए हम आपको जरूर देंगे। मुझे जो भी दोगी वो बताइए ना सर। दोगी ना? क्या चाहिए बोलिए ना। अभी नहीं, मुझे जब चाहिए तुमसे बता दूंगा। ऐसी बात है? तो मैं आपको तब दूंगी जब मेरा मन होगा। जो भी देने वाली हो अभी ही दे दो। इतनी जल्दी भी क्या है, इंतजार कीजिए मैं आपको दे दूंगी। हाय विकी। हाय। सॉरी मुझे देर हो गई। हाँ भैया बिल्कुल सही समझे हो, तो अगर परसेंटेज सही हुआ तो ही डील आगे बढ़ाएंगे। चल। नाम है निम्मागाड़ा वेंकटेश्वर राव, सन ऑफ निम्मागाड़ा नागेश्वर राव, उम्र है 52 और काम है MRO भोपाल पल्ली। एक बीवी है, दो बेटियां और एक बेटा है। बड़ा ही शिष्टावान परिवार है। एक्स्ट्रा गुण यह है कि बड़े सच्चे और ईमानदार हैं। शाबाश, बायोडेटा तो कमाल का है, सुपर। तो बताओ ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? जान दे दूंगा लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं करूंगा। अब मरने के बाद इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। सुनिए भाई साहब, आप उम्र में तो बड़े हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट भी हैं, सिर्फ 400 एकड़ जमीन के लिए आप अपने बचे हुए नौकरी के 8 साल, जो 40 साल आप जिंदा रहे हैं, और आपके नौकरी के बाद की पेंशन की कमाई सब गंवाना चाहते हैं। सोच कर देखिए, मैं आपको 5 मिनट का वक्त दे रहा हूँ। 5 मिनट भूल जा, जान चली जाएगी तो भी ये फैसला नहीं बदलेगा। तू 400 एकड़ की बात कर रहा है, 4 मीटर जमीन भी तेरे नाम पर रजिस्टर नहीं करने वाला हूँ। बैड लक। सरकारी नौकरी में और राजनीति में आप जैसे ईमानदार लोगों की जरूरत नहीं है। भाई कौन है भाई? हेलो, मैंने अभी अभी हंसनी को कॉफी शॉप में देखा है। इसकी लाश को उठाकर फेंक दो। वो वहाँ है भाई। 4 साल हो गए हैं, जो कंडीशन से मुझे नहीं लगता कि हमारी शादी हो पाएगी। कंडीशन नहीं है विकी, मजबूरी है। मेरा भाई घर से भाग गया, वो भी मेरी वजह से। तभी मैंने सोच लिया था कि जब तक वो घर वापस नहीं आएगा मैं शादी नहीं करूंगी। और अगर तुम्हारा भाई कभी लौटा ही नहीं तो? बाकी की जिंदगी हम प्रेमी बन के ही रहेंगे। अगर तुम मेरे भाई के लौटने का इंतजार नहीं कर सकते तो तुम किसी और लड़की से शादी कर सकते हो विकी। नहीं नहीं, मेरा ऐसा इरादा नहीं है अंशनी, मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। चाहे कितना भी वक्त लग जाए मैं इंतजार करूंगा। अरे ये क्या है, हाथ हटाओ। कौन है रे तू, और मेरी होने वाली बीवी के साथ यहाँ क्या कर रहे? होने वाली बीवी कौन है वो? तुम हो। मैं हूँ।
चलो तुम्हारे पापा से बात करते हैं, हमारी शादी होगी। अरे छोड़ो मुझे। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? ये बदतमीजी है या हक जताना है, बाद में तय करेंगे। चलो। अरे छोड़ो उसे। छोड़ो। अरे वहाँ पर तो मजा आ गया था। अरे डैडी क्या हुआ बेटा? अरे ये क्या गुंडागर्दी है, घर में झगड़ा क्यों कर रहे हो? ये कोई गुंडागर्दी नहीं है अंकल, मैं अपना फर्ज निभा रहा हूँ। इस आदमी ने अपनी बातों के जाल में हासिनी को फंसाया है, मैंने इन दोनों को रंगे हाथ कॉफी शॉप में पकड़ा है। अरे जीजा जी, आपकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है और आपको पता ही नहीं? लव स्टोरी के नाम पर ऐसा षड्यंत्र? वो तो मेरे बेटे ने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया, इसलिए हमें सब पता चला। बहुत बढ़िया बेटा। तुम्हें लगता है तुमने रंगे हाथों पकड़ा है? हंसनी ने प्रेम के बारे में मुझे पहले ही बता दिया था। हाँ भैया, सच में? भाई साहब, ये गुंडों को भाड़े पे रखने का खर्चा फालतू में सिर पे आ गया। बेटा ने तुम्हारे रिश्ते के बारे में नहीं पता है, जरा इन्हें इस बारे में बता दो। मैं और विक्की एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। डैडी को इस बारे में मैंने पहले ही बता दिया था। सच कहूँ तो मेरा भाई मेरी वजह से घर से भागा, और जब तक वो घर वापस नहीं आता मैं शादी नहीं करूँगी। मैंने डैडी से कह दिया है, उसके आने के बाद ही मैं ये शादी करूँगी। अरे वाह बेटा, तुमने सारी बात कितने अच्छे से समझा दी। एक रिश्ता भी बना लिया और उसकी मर्यादा भी रख ली। जीजू, ये सच में आपकी बेटी है? मुझे माफ करना अंकल, हमें ऐसे नहीं मिलना चाहिए था। अरे तुम माफी मत मांगो यार, तुम्हें इसे शुक्रिया कहना चाहिए। मुझे इस आदमी का शुक्रिया नहीं चाहिए। शादी का मतलब ये तो नहीं कि फिलहाल बाजार में अपनी इज्जत उड़ाते फिरो, पार्क में, पब में, फिल्म थिएटर में, पता नहीं कहाँ कहाँ पर। मामा की इज्जत ऐसे ही उछालती फिरोगी क्या? जरा से भी शर्म नहीं है तुम्हें? बात तो इसने सही कही है बेटा, अगर तुम लोग इस तरह से मिलते रहे तो लोग जानते ही हो किस तरह की बातें करते हैं। मैं इनके माता पिता से मिलकर शादी की बात करता हूँ। जी अंकल, थैंक यू। चलो बेटा। तुमने उनकी शादी तय करवा के सारा प्लान चौपट कर दिया। तुमने मिल गई शांति, जो तुम्हारा काम नहीं है उसमें टांग मत डाला करो, ज्यादा अकल मत लगाया करो। तुलसी बहन, पहला डोसा मुझे देना। अरे मामा, पहले मैं आया था। बटला चुपचाप बैठ। कोई फर्क नहीं पड़ता पहले कौन आया है, जब तक काली आकर पहला डोसा खरीद नहीं लेता किसी को डोसा नहीं मिलेगा। अब चुपचाप बैठो। तुम्हारे पास डोसा खाने जो आएगा वो चुपचाप बैठ सकता है क्या? उसका मुँह तो चलेगा ही। बात सुन ले, दोबारा डबल मीनिंग में बात की ना तो मुँह तोड़ दूंगा तेरा। अजी सुनो, यहाँ डबल मीनिंग बोलो या ट्रिपल, मैं तो साफ साफ बात करती हूँ। जाओ और धो कर लाओ प्लेट। कैसे हो आप? अच्छा हो बेटा। लक्ष्मण कैसे हो भाई? कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है भाई। नमस्ते बेटा। नमस्ते काली भाई, कैसे हो? नमस्ते बेटा। काली, तुम्हारा भला हो, तुमने हमारी मदद की है बेटा। जब से तुम आए हो गुंडों से डरना नहीं पड़ता और ना ही उनको हफ्ता देना पड़ता है। हाँ भैया, तुम हमारे लिए भगवान की तरह हो। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप लोग, मैं तो एक अनाथ बच्चा था, आप लोगों ने पाला और अपने परिवार का हिस्सा बनाया। तुम्हारी यही अच्छाई हम लोगों को पसंद है बेटा। चलो आप दुकान पे चल के डोसा खाते हैं, वहीं बात करेंगे। ठीक है, चलो। काली आ गया बेटा, आजा मैं गरम गरम डोसा बनाती हूँ, खा ले जल्दी से। आजा आजा, बैठो बैठो। इतना भी मत घिसो कहीं प्लेट पिघल ना जाए। मेरी किस्मत ही फूटी है, दिन ब दिन जिंदगी बर्बाद होती जा रही है। प्लेट तोड़ दोगे तुम? अब रोना बंद करो वरना अंडे के बजाय सर तोड़ दूंगी। ओ नेमाली, काली को डोसा दे दे। ए, चलो बताओ यहाँ पे काली कौन है? ये तो मेरे अंगूठे जितना भी नहीं है। ये तेरी आंखों का तेज देख के लग रहा है कि तू ही काली है, चल उठ बे। तुम्हारे लिए तुम्हारी यूनिफॉर्म की कीमत होगी और मेरे लिए एक दिन मैं तुझे जरूर पकड़ूंगा, तब तुझे मैं दिखाऊंगा कि इस यूनिफॉर्म की ताकत क्या होती है। सुन लिया तूने? चल निकल जा। क्या हुआ जीजू, आपने फोन करके हमें फौरन बुला लिया? अमेरिका से मुझे कॉल आया था। 15 साल पहले किया गया 50 करोड़ का इन्वेस्ट मैच्योर हो गया है, तो अब रास्ता निकालो ताकि वो 500 करोड़ हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। क्या सच में? मतलब हमने जो 50 करोड़ लगाए उसके 500 करोड़ हो गए? 15 साल पहले तुम्हें शक था कि मैं इतना लंबा जी पाऊंगा भी कि नहीं, तुम लोग इस बात को लेकर चिंतित थे ना? अरे ऐसी बात नहीं है जीजू, उस समय हम थोड़े नादान थे, अब आपकी कंपनी में काम करके होशियार हो गए। क्या गारंटी कि तुम लोग होशियार हो गए? अरे क्या फर्क पड़ता है जीजू, आप हमारे साथ हो तो हम होशियार ही कहलाएंगे ना। ठीक है, चलो पेपर की तैयारी करते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ जी जी।
हाँ यार। अच्छा ठीक है, चलो अब चलते हैं। हाँ। काफी लेट हो गया। हाँ। क्या हुआ? यहाँ तो स्ट्रीट फाइट होने वाली, चलो चलकर देखते हैं। ये कल देखेंगे, आज चलो फिल्म देखने चलते हैं, चलो। हेलो, फिल्म तो हर बार देखते हैं, पर ऐसी फाइट पूरे साल में एक बार ही होती है, चलना बहुत मजा आएगा, चलना। अच्छा ठीक है ना, चलो फिर चलते हैं। कीर्ति को भी कॉल करके बुला लो, उसे इन सब में बहुत इंटरेस्ट है। चिकना है ना हीरो अपना, चल चल मारो और मारो। अरे वाह, मेरा वाला गया ये। मैंने 200 लगाए हैं। बाप रे बाप। हम भी बेट लगाएं? ओह यस, मैं लाल पेट पे बेट लगाती हूँ और तुम धूल पेट पे लगाना। सुपर आइडिया, चलो। टाइम 40 नहीं, 10 का 20, 20 का 40, कौन लगा रहा है? 10 का 20, 20 का 40, जल्दी जल्दी। हाँ बोलो। लाल पेट पर 10,000 रुपए लगाएं। और मेरी तरफ से 10,000। जल्दी करो जल्दी करो, आखिरी मौका है, जल्दी लगा। क्या कर रहा है, रूल्स क्यों तोड़ रहा है तू? अपन को रूल्स नहीं मालूम, जिसके पास ताकत उसका पैसा। क्या क्या है, फाइट कर और पैसे ले जा, फाइट कर पैसे ले जा। दुनिया को सलाम और दुश्मनों को सवाल। ए, मैं नाश्ते में जो चिड़िया खाता हूँ तेरा साइज उतना भी नहीं है, और तू मुझे चैलेंज करने आया है? ए, ये छोटा सा आदमी जब तुझे ठोकेगा ना तो तेरे चीथड़े उड़ जाएंगे। अरे काली उठ, उठो काली, ए काली चल चल, उठो काली, मार काली, मारो काली, काली मारो काली, काली 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 काली। जो चील मरे हुए सांड को खाता है ना, वो भी एक चिड़िया ही होती है। Hey,
मैं तेरी गर्दन को मरोड़ूंगा, फिर तेरे बाजुओं को घुमाऊंगा, तेरी टांगे तोड़ूंगा और तेरे मसल्स को मसल कर रख दूंगा, तुझे धूल चटा कर तेरे सीने पर नाचूंगा, तब तुझे समझ में आएगा कि मैं क्या हूँ। शहर को चैलेंज करता हूँ, अगर हिम्मत है तो इस काली से आके लड़ो। क्या हुआ भाई, किस सोच में पड़े हुए हो? मैं सोच रहा था घर की छत किस मटेरियल से बनवाऊं। ऐसी हालत में जो चीज चल रही हो उसी से छत बनवानी चाहिए, जल्दबाजी में फैसला करोगे तो गड़बड़ होगी। आखिर कब तक हम ऐसे जीजू के नौकर बनकर जिएंगे? जीजू रोज नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं और हम खड्डे में जा रहे हैं। सच कहा भाई, हमने जीजू के नाम पर जो लोन लिया हुआ है ना, वो भी कोरोना की तरह बढ़ता जा रहा है। ऐसा ना हो देनदार जीजू को आकर सब कुछ बता दे। जीजू का कहना है कि सारे पैसे उनके बेटे के नाम पर है, और हमें ये भी पता नहीं है कि उनका बेटा जिंदा है या मर गया। क्या फर्क पड़ता है, हम तो जिंदा है ना। तू अपना मुंह बंद रख भाई, हम तीनों में आप सबसे बड़े हैं और हम सबसे घटिया भी आप ही हैं। तो आप ही कोई प्लान बनाइए जिससे वो 500 करोड़ रुपए और जीजू की सारी जायदाद मिल जाए। एक कमाल का आइडिया है, हम किसी को जीजू का खोया हुआ बेटा बनाकर उनके सामने खड़ा कर देते हैं। अच्छा। और उसके जरिए सारी जायदाद अपने नाम कर लेते हैं। आइडिया तो अच्छा है, काफी फिल्मों में वर्कआउट होते भी देखा है, पर दिक्कत ये कि हमारी बात मानने वाला लाए कहाँ से? लाएंगे, ढूंढ लिया है हमने उसको, वो अपनी झूठी पहचान बनाकर अपने जाल में फंसाता है सारे लोगों को। हम उससे मिलेंगे, अपनी जरूरत के हिसाब से कोई अच्छा प्लान बनाएंगे और बड़ी चालाकी से घर में ऐसी चीजें कर रहा है ले आएंगे। फैक्ट्री हमारी है, फैक्ट्री हमारी है, हमें हमारा हक चाहिए, हमारा हक चाहिए, फैक्ट्री हमारी है, फैक्ट्री हमारी है, हमें हमारा हक चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए, फैक्ट्री हमारी है, फैक्ट्री हमारी है, हमें हमारा हक चाहिए, हमारा हक चाहिए, फैक्ट्री हमारी है, फैक्ट्री हमारी है, हमें हमारा हक चाहिए, हमारा हक चाहिए, फैक्ट्री हमारी है, फैक्ट्री हमारी है, हमें हमारा हक चाहिए। ये सब क्या तमाशा है? ये तमाशा नहीं मैडम, हमारे पेट की आवाज है। सुन लीजिए मालिनी देवी, आपके अन्याय और अत्याचार से लड़ने के लिए एक दिन प्रभु किसी न किसी तरह से हमारी मदद जरूर करेगा। अच्छा, इतने ताकतवर हैं वो? तो आने दो, मैं उन्हें भी रास्ते से हटा दूंगी। क्यों भाई, क्या हो रहा है यहाँ? चुपचाप देखो। क्या बोला ये? चुपचाप देखो। क्या बोला ये? चुपचाप देखो। भैया कहाँ हो तुम? भैया हमारी मदद करने आ जाओ, भैया आ जाओ। आ गया हमारा हीरो। तो ये है तुम्हारा मसीहा जो गुंडों की तरह चमकीले कपड़े पहनता है, मुझे धमकी देता है, चल बे। मालिनी देवी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं, आपका क्या होगा आपको खुद नहीं पता। पता करो ये कहाँ रहता है, इसका नाम क्या है, ये काम क्या करता है और बाकी डिटेल्स, समझ गए? हाँ, सब चाहिए मुझे, चलो जाओ। भाई सही आदमी चुना है। आपको पता है मालिनी देवी, अगर आपने ये फैक्ट्री बंद कर दी तो इन बेचारे मजदूरों का क्या होगा और इन पर क्या असर पड़ेगा? हम इन बेवकूफों की जिंदगी के बारे में सोचने लगे तो हम जैसे लोग बिजनेस कैसे करेंगे? हाँ मालिनी देवी,
बहुत सारा पैसा लेकर आप राजस्थान से यहाँ आई और यहाँ पर फैक्ट्री बनवाई, क्योंकि आपको पता था यहाँ बहुत फायदा है। इन गरीब मजदूरों ने कड़ी मेहनत करके आपको करोड़पति बना दिया। मैं इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करूँगा मालिनी देवी। अरे चुप, इतनी हिम्मत की मुझे धमकी दे रहा है? मेरी पहुँच मुंबई तक है, समझे? मालिनी देवी, आपकी मुंबई में बहुत पहचान होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी पावर ही मुंबई है। मैं कॉफी अमिताभ बच्चन के साथ पीता हूँ, ब्रेकफास्ट अभिषेक के साथ करता हूँ, लंच करता हूँ अजय देवगन के साथ और डिनर करता हूँ सलमान के साथ। ये जो दो कौड़ी के सिपाही लेकर आई हो ना, इन सबको फुटबॉल की तरह उड़ा दूंगा मैं। एनी डाउट? मालिनी देवी, अब ये लोग फैसला करेंगे कि पैसा आप कहाँ से लाएंगी। आपकी फैक्ट्री यहीं रहेगी और आप इसे यहीं चलाएंगी। अगर आप ऐसे ही बहाने बनाती रही और इनकी आमदनी के साथ खिलवाड़ करती रही तो आपको एयरपोर्ट तक भी नहीं पहुंचने दूंगा मालिनी देवी। क्या देख रहे हो? मारो उसको। माफ करना काली साहब, गलती हो गई। कल से ये फैक्ट्री यहीं पर चालू रहेगी। शाबाश मालिनी देवी, शाबाश। आपको लंबी और स्वस्थ जिंदगी मिले। इन्होंने आप पे भरोसा किया है, इसे तोड़िएगा नहीं। तो वो हाँ यहाँ रहता है पक्का? हाँ यहीं रहता है, चलो ना, चलो आप। क्यों रे, तूने बोला तो था कि ये गोला है पर इतना बड़ा। अरे चिंता मत करो भाई, वो गोला है तो हम भी बारूद हैं। हेलो, कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? एक काम के लिए आपसे मिलने आए हैं। काम के लिए? मेरे से ऐसा कौन सा काम पड़ गया? एक काम है जो पूरा करने का टैलेंट सिर्फ तुम में है, तुम में। आपको लगता है कि मैं इतना टैलेंटेड हूँ? आपको पता नहीं है कि आप में कितना टैलेंट है, सिर्फ हम ही नहीं पूरे राज्य को पता है आपका टैलेंट क्या है। ये लीजिए। ओह, तुम भी कब नहीं हो। वाह, तू चुप रह। तो बताइए क्या बात है? तुमको एक परिवार में बेटा बनकर रहना है। मतलब एक्टिंग? असली बेटे का क्या हुआ? अरे वो 5 साल पहले ना, वो एक बुरे एक्सीडेंट में मर गया। मर गया? या तुम लोगों ने मार दिया? क्या हम तुमको खूनी नजर आ रहे हैं? दिखने में तो बिल्कुल वैसे ही लगते हो। मेरी दीदी का रो रो के बुरा हाल है। दीदी तुम्हारी सगी है या वो भी नकली है? वैसे देखा जाए तो सगी नहीं है, दूर के रिश्ते। चुप। देखिए साहब, बेटे के जाने के बाद उसने जीने की आस छोड़ दी है, इसलिए प्लीज हमारे लिए तुम उसका बेटा होने की एक्टिंग कर लो, इससे उसके दिल को सुकून मिलेगा। ना मत कहना प्लीज। तुम्हारी सारी बात मैं अच्छे से समझ गया। जायदाद कितने की है ये बताओ। नहीं नहीं, ऐसी कोई साजिश वाजिश नहीं है, सच में। तुम लोगों की शक्ल से ही पता चलता है कि तुम लोग कितने बड़े फ्रॉड हो। अब ये फिल्मी कहानी बंद करो और मुझे बताओ पूरी जायदाद में से हिस्सा कितना मिलेगा मुझे, तब बेटे की एक्टिंग शुरू करूंगा। अरे ऐसे अगर आओगे तो मेरी जीजा तुम्हें उठाकर ऐसे बाहर फेंक देंगे। किसको बोला? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें नहीं। ऐसे एंट्री मारोगे तो लोगों को शक हो जाएगा, हीरो की एंट्री एकदम कड़क होनी चाहिए। हाँ तो पैसा भी कड़क देना होगा। बताओ मेरा हिस्सा कितना होगा? 25%। चल 30%। अरे अरे सर जी, पूरे 50%। मुंह में ढक्कन लगा, इसको 50% देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? तो 50% पे डन, उसकी डिटेल्स भेज दो मुझे। लैपटॉप दिखाओ तो। अभी दिखाता हूँ भाई। इनका नाम है चंद्रशेखर राव, मेरे जीजा, कल से होंगे तुम्हारे डैडी। ओके। यह है पार्वती, मेरी दीदी, कल से होगी तुम्हारी मम्मी। यही दो हैं या फैमिली में और भी कोई है? वहाँ पहुँचोगे तो सब समझ जाओगे भाई, बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। जीजा जी बहुत चालाक हैं, बच के रहना, बस उन्हें शक नहीं होना चाहिए। अब जरूरी यह है कि एक धांसू एंट्री के लिए किसी को अगर पीटना भी पड़ा तो वो भी करना, लेकिन मामला पुलिस स्टेशन तक जाना चाहिए, बाकी सब हम संभालेंगे। पुलिस स्टेशन भी नकली होगा क्या? पुलिस स्टेशन तो असली होगा बेटा, बस पहुंचने का तरीका नकली है। ये रखो एडवांस।
पैसे तो असली है ना? पूछ रहा है कि नकली है असली? एकदम असली है बेटा। अब आप लोग आराम करो, मैं कल से प्लान बनाकर काम करता हूँ। नियम और कानून हम बनाएंगे, तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है, बाकी खेल हमारा, ठीक है? डन। रोको। लाइसेंस देखना है क्या? लाइसेंस आरसी क्या तेल लेने? इतनी रात को तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? ट्यूशन से आ रहा हूँ सर। इस उम्र में? मैं नहीं सर, मेरी पोती आ रही है। चलो आपकी पोती को देख के तो बात समझ में आ रही है, लेकिन इस वक्त ट्यूशन से आ रही है समझ में नहीं आ रहा है। चलो बताओ इतनी रात में चले के कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ। किसके घर? जरा तमीज से बात कीजिए सर। बाढ़ में गई तमीज। महीने का कितना भरते हो? 1500 रुपए भरता हूँ सर। अरे मैं ट्यूशन फीस की बात नहीं कर रहा हूँ, अपना चार्ज बता। आप अपनी हद बात कर रहे हैं, मैं कहता हूँ तमीज से बात कीजिए। अच्छा तो अब तू बताएगा? सही है, एकदम कड़ा है। What nonsense are you talking? ए सुन, अंग्रेजों को छोड़े हुए बहुत साल बीत चुके हैं, अंग्रेजी क्यों झाड़ रही है यहाँ पे? तुझे हिंदी में समझाता हूँ। ट्रैफिक संभाल, और ट्रैफिक के साथ साथ अपने हवस को भी संभाल, जाने दे। और नहीं जाने दिया तो छोड़ो, ये क्या कर रहे हो तुम? देखो मेरी हिम्मत बढ़ गई, पुलिस पे हाथ उठाएगा। पुलिस है तो क्या हुआ? दिखाता हूँ। तेरे जैसे छोड़ मुझे, मैंने बोला छोड़ मुझे, छोड़। सर पुलिस वाले पे हाथ उठाता है। चल हाथ हटा, बोला ना हाथ हटा। ठीक है महाराज। कौन है ये, क्या किया इसने? कल रात को टल्ली होके ट्रैफिक पुलिस वाले पे हाथ उठाया सर। हाँ, इसका बैकग्राउंड क्या है? भाग्यनगर कॉलोनी में इसके बहुत सपोर्टर्स हैं सर। ये बहुत सारे छोटे मोटे क्राइम करता है सर, मार्केट में दुकानदारों से पैसे वसूलता है, और अगर कोई इसके खिलाफ बोले तो इसे बहुत मारता है सर, दादागिरी करता है। मैंने 2 बार इसे पकड़ा लेकिन हाथ से निकल गया, अब जाके हाथ लगाया सर। क्या रे शाणे, तेरा नाम क्या है? काली। काली, तेरे बाप का नाम क्या है? चंद्रशेखर राव। कौन चंद्रशेखर राव? पुलिस की नौकरी करते हो और चंद्रशेखर राव को नहीं जानते तुम? हाँ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ए, अपनी बकवास करना बंद कर वरना उधेड़ दूंगा तुझे। प्यार से समझा रो, समझ जा। तो चंद्रशेखर का लड़का है क्या? यस, मैंने एसआई को भी बताया और तुमको भी बता रहा हूँ, अगर विश्वास नहीं है तो फोन कर लो। हेलो, कौन? पुलिस स्टेशन से सीआई बोल रहा हूँ सर। पुलिस स्टेशन से सीआई? चंद्रशेखर राव है क्या? चंद्रशेखर राव अभी बहुत बिजी है, क्या बात है पहले बताओ। चंद्रशेखर राव के लड़के को अरेस्ट किया। क्या कहा? चंद्रशेखर राव के बेटे को तुमने अरेस्ट किया है? भाई बात सुनो, स्पीकर ऑन करो, स्पीकर ऑन करो। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। उसने सड़क पर ट्रैफिक कांस्टेबल पर हाथ उठाया। पुलिस स्टेशन पर लाकर जब उसके बारे में पता किया तो वो कह रहा है कि वो चंद्रशेखर राव का लड़का है। हम खुद उसे 15 सालों से ढूंढ रहे हैं, वो आज तक हमें नहीं मिला और तुम्हें मिल गया। ठीक है इंस्पेक्टर, हम लोग पुलिस स्टेशन आ रहे हैं। ऑल राइट सर, प्लीज आइए। चंदन भाई, लगता है बंदा जितना सोचा था उससे ज्यादा काम का निकला। चुप। नमस्ते सीआई साहब। नमस्ते सर, प्लीज आइए बैठिए। आपने हमें यहाँ बुलाया? सीआई साहब कहाँ है? कहाँ है हमारा भांजा? हम अभी उसकी जमानत करवा देते हैं, ले आओ उसे तुरंत यहाँ पर। सर, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? हाँ, उतावले नहीं हो रहे हैं साहब, हमें अपने भांजे को देखने की जल्दी है बस। इनकी बात का बुरा मत मानिए सीआई साहब, क्या मैं उस लड़के से मिल सकता हूँ? कॉन्स्टेबल, thank you.
बिल्कुल नहीं मिलता। ए सीआई कौन है ये, कैसा दिखता है? ये नमूना है। मुझे पूरा यकीन है ये मेरा भांजा नहीं हो सकता। पक्का इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। चलो, टाइगर का बच्चा टाइगर होता है, बकरी थोड़ी होता है। भाई भाई, यहाँ जीजू के सामने अपने प्लान का भंडा मत फोड़ो, अपनी एक्टिंग थोड़ी कम करो। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तू भी थोड़ी कम कर। सॉरी सर, इसकी बात मान के हमने आपका टाइम वेस्ट किया। मुझे पूरा विश्वास है सीआई साहब, यही मेरा बेटा है। इसे ऐसे ट्रेन करो जैसे इसी घर में पला बड़ा हो। ठीक है जीजू, हम संभाल लेंगे। अरे बाबू क्या बोल के गया? अरे बापू, अरे क्या भाषा है तेरी, बापू क्या होता है? तो फिर बाबूजी बोलूं क्या? सुनो, आज से डैडी बोलना उनको। ठीक है, दाढ़ी बोलूंगा। दाढ़ी नहीं बोलना है, बाबूजी मॉडर्न है इसलिए बोला डैडी बोलना। इसे जो बुलाना है बुलाने दो। देखो तुम्हें पता है ना बाकी लोगों के साथ कैसे पेश आना है। अब तुम लोग मुझे एक्टिंग सिखाओगे? अब चुपचाप मेरा जादू देखो। क्या गुल खिलाएगा भाई? अरे भाई, तुम सच में मेरे बेटे हो ना? माँ, मुझ पे भरोसा नहीं है माँ। बेटा, बस और कुछ मत। रुक जाइए आंटी। सॉरी आंटी, अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है कि यही आपका बेटा है। और हाँ, इस घर में कुंवारी लड़की भी है। इसकी सारी पहचान के बिना इसे घर में लाना खतरे से खाली नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे निकल चुकी है, बस एक डीएनए टेस्ट ही काफी होगा। उससे साबित हो जाएगा कि ये आपका खून है या नहीं। तुम ये सारे टेस्ट करवा कर इसके जज्बातों को ठेस पहुँचाओगे। नागभूषण, डॉक्टर को फोन करो। फोन किस लिए जीजा जी, हम खुद जाकर डॉक्टर से मिलकर अपॉइंटमेंट फिक्स करके आएंगे। तुम्हारा जन्म किस नक्षत्र में हुआ है? गुरु का प्रकोप तो नहीं? नहीं नहीं, मतलब तुम्हारी शादी इस जन्म में तो होने से रही। ये तो पता का है। ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो ये तुम? ये मेरी रिश्तेदार नहीं है? रिश्तेदार है तो बाहों में भर लोगे? तो क्या उठा नहीं सकता क्या? ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। अरे वो काम वाली बाई है। अच्छा बाई है? अगर बाई ऐसी पटाखा है तो बाकी की कैसी होंगी? और देखने के लिए बेताब। अरे सुनो भाई, लगता है ये प्लान चौपट करके रहेगा। क्या कहा, मैं झूठ बोलूं? बिल्कुल। कल चंद्रशेखर राव एक लड़के के साथ आपके पास आएंगे और उसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे। आपको बस इतना बोलना है कि उनका डीएनए उसके साथ मैच हो गया है। ये गलत बात है, मैं एक डॉक्टर हूँ, सच बोलने की शपथ ली है मैंने। इसका मतलब तुम झूठ नहीं बोलोगे? अगर फायदा होगा तो झूठ बोल दूंगा। आपको झूठ बोलने से फायदा ही चाहिए ना? एक मिनट, ये लीजिए फायदा, डबल फायदा हो गया ना। ओके सर, अब आपका काम हो जाएगा। क्या रिपोर्ट आ गई जीजू? अभी तक तो नहीं आई है, डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं। अभी नहीं आई है। डॉक्टर यहाँ देखिए, दोनों का डीएनए सेम है। क्या कहा, डीएनए मैच हो रहा है? मतलब मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है? कांग्रेट चंद्रशेखर राव, गुड न्यूज, आप दोनों का डीएनए मैच हो गया है। ये लड़का आपका ही बेटा है। ये लीजिए रिपोर्ट। आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, चलता हूँ।
मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ जीजू। जिस बात की हमें उम्मीद थी डॉक्टर ने बिल्कुल वही खबर सुनाई। तुम लोगों को क्या उम्मीद थी? वो कुछ नहीं, बात करो। यही कि जब पहली बार मैंने उसे देखा तो मेरे अंदर से आवाज आई, यही मेरा भांजा है। चुप रहिए, आपकी भावनाएं मुझे वैसी नहीं लग रही हैं। और भी टेस्ट करवाना है तो करवा लो, करवा लो। जहाँ लोगों पे मुझ पे भरोसा नहीं है वहाँ रहेगा कोई फायदा नहीं। यार जरा मेरी बात तो सुनो, ओवर एक्टिंग मत करो वरना जीजा जी को शक हो जाएगा। बेटा काली, तुम इनकी फिक्र छोड़ो, यहाँ आओ जरा। जा जा जा, डैडी बुला रहे। क्या हुआ, इतना क्यों चिल्ला रही? माँ, माँ डीएनए रिपोर्ट आ गया है। माँ हाँ, सच में मेरा भाई है। बस थोड़ी देर में वो घर आता ही होगा। ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। भाभी 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 भाभी, हमारा भांजा आ गया। हाँ माँ, हो गया क्या? ये सच है क्या? हाँ वो मेरा भांजा है हमारा। लगता है वो लोग आ गए। बेटा बेटा भैया बेटा, कल्याणी कद्दू ले आ, नजर उतार लूं। अभी नहीं दीदी। अरे माचिस नहीं लाई? वो माचिस तो अभी। मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारे ऊपर से हर नजर टोना, हर बुरी बला सब कुछ दूर हो जाए। तू तू सब इसी में जाए। एक तो पहले से इसकी ओवर एक्टिंग से डर लग रहा है, ऊपर से ये सारे रीति रिवाज। ये लो जाकर फेंक दो। पार्वती हा? इसे अंदर ले जा करके इसका पूरा होलिया बदल दो। हा? अभी ले जाती हूँ, चलो। अरे दीदी आप रहने दीजिए ना, हम संभाल लेते ना इसे। ठीक है भाई। बेटा तू तो बिल्कुल बदल गया है ना, छोटा था तो जमींदार का बेटा लगता था, ये अभी भी छोटा और जमींदार लगता है। ये लोग मुझे बार बार इतना प्यार क्यों कर रही हैं? बहुत अच्छी दिख रही हैं। कौन है ये लोग? ये हमारी बीबियां हैं। ये तुम्हारी मामियां हैं। मामियां हैं, मॉडल से कम नहीं लग रही बेटा। हमें तो लग रहा है कि हमारा पत्ता कट गया है। अरे वाह, आप तो कितने हैंडसम हैं। तुम लोग कौन हो? ये तुम्हारी रिश्तेदार हैं। वाह, इस तरफ मामिया और इस तरफ। बेटा बेटा आराम से आराम से। अरे देखो ये कुछ ज्यादा ही चिपक रहा है सबको। कुछ ज्यादा नहीं चिपक रहा है, बहुत ज्यादा चिपक रहा है। हाँ बेटा बोलो। नहीं मुझे बुलाया ना? तुम्हें भी नहीं बुलाया, मुझे बुलाया है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा चिपकता या खुलता है। अब यहीं रुक जा, यहीं सेफ है तू। अरे डैडी मुझे जिससे बातें करनी है ना। अरे मैं आता हूं बेटा, यहीं बैठ। मामी बेटा 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 सुनो बेटा, अभी तुम थक गए होगे ना, जाकर अपने कमरे में आराम कर। जाओ 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 चलो। हां ये कौन है? ये वो है जो हमारी कुंडली पे फन मार के बैठा है। अरे ये वही है जिससे तुम्हारी बहन की शादी होने वाली है। मतलब ये मेरा जीजा है। हाँ इसका मतलब क्या था? तो आखिरकार हमने पूरे परिवार का, सारे सदस्यों का विश्वास तो जीत लिया कि यही है वो। यहाँ तक कि हमारी बीवियों को भी यकीन हो गया। मुझे तो डर लग रहा है कि तुम्हें पता है ना हमारी बीवियाँ कैसी हैं। उसको बीवियों से नहीं बचाना है, बीवियों को उससे बचाना है। बच्चे बनकर बैठ जाओ, उसी में भलाई है। सुनिए पंडित जी, आज 15 साल बाद हमें हमारा बेटा मिला है। क्या आप जरा इसके नाम से एक पूजा करा देंगे? आप अपने बेटे का नाम बताइए। काली प्रसाद। काली प्रसाद नामस्य सहकुटुंबा नाम राजाधिराजाय प्रसाय साहिने नमो वयम वै श्रवणाय कुर्महे रमे कामाय काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। सॉरी विकी, मम्मी डैडी के साथ मंदिर आई हूँ, अभी नहीं मिल सकती मैं, ठीक है ना? क्या मस्त लड़की है यार। समझने की कोशिश करो विकी। अरे नहीं नहीं प्लीज विकी, शाम को आराम से मिलते हैं, ठीक है? हाँ? अरे कौन हो तुम? तुम शाम में फ्री हो क्या? हा? मैं शाम तक इंतजार नहीं कर सकता। अभी के अभी अपना रेट बताओ। पेमेंट ऑनलाइन नहीं कैश में दूंगा। शट अप बदतमीज कहीं के। मुझे मारती है तेरी इतनी हिम्मत।
इतनी हिम्मत। चल 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 चल। भैया काले, आपने इस पर हाथ क्यों उठाया? क्या गलत किया इसने? इसने गुस्से पर अभी तक काबू नहीं किया है पार्वती। अरे ऐसी हालत में तो किसी को भी गुस्सा आ जाता। वो मुझे छेड़ रहा था डैडी, तभी भैया ने उसे मारा। मैं जानता हूँ बेटा, अगर ये इस तरह से पेश आएगा तो इसमें और उसमें क्या फर्क रहेगा? डैडी, जब मेरे सामने मेरी बहन से कोई बदतमीजी करे तो मैं अपना आपा खो देता हूँ डैडी। इसी बात का मुझे डर है। मैंने अपने गुस्से के चलते तुम्हें बचपन में खो दिया था। 15 साल हमने कैसे गुजारे हम ही जानते हैं। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू करना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? इसीलिए अब वादा करोगे किसी के साथ मारपीट नहीं करोगे? मैं वादा करता हूँ डैडी, अब चाहे कोई भी मेरी बहन से बदतमीजी करे या फिर मेरे गले पे खंजर रख दे, मैं कभी भी गुस्सा नहीं करूंगा, कभी भी मारपीट नहीं करूंगा। मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ डैडी कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा कभी मारपीट नहीं करूंगा। मत रो। सुनिए जी, आप उसे अपने साथ में बिजनेस में बिजी कर लेते तो वो अपना गुस्सा काबू कर लेगा। ये बात तो तुमने सही कही पार्वती। उसे सही रास्ते पर लाने के लिए मुझे ये जिम्मेदारी उसे सौंपनी ही होगी। मैं कल से उसे ऑफिस बुला लेता हूँ। सर, कौन है आप सर? मुझे तुम्हारा काम अच्छा लगा, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। मैंने अर्जेंटली ये मीटिंग इसलिए बुलाई है क्योंकि बात ये है कि आओ बेटा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। माय डियर स्टाफ एंड फॉलोवर्स, मेरे बेटे कालेश्वर से मिलिए। आज से मैं अपने सारे बिजनेस की जिम्मेदारी अपने बेटे के हाथ में सौंपता हूँ। भाइयों और बहनों, मैं कालेश्वर मतलब काली, सबको मेरा नमस्कार है। ये ऐसे क्यों भाषण दे रहा है जैसे चुनाव प्रचार कर रहा हो? जब वो अपनी स्टाइल में बात करेगा तो गाली गलौज ही करेगा ना। अरे रुकना यार, मैं तो बस देख रहा था। सॉरी सॉरी। मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद है जैसा आज तक आप मेरे डैडी का साथ देते आए हैं वैसे ही मेरा भी साथ देंगे। बस मेरी एक शर्त है, मेरे यहाँ ड्यूटी पे काम करने वाले आलसी लोग मुझे पसंद नहीं है। हमें भी पसंद नहीं है। मुझे किसी भी तरह का लालच देना या पीठ पीछे वार करना या फिर मुझे धोखा देना, ये भी मुझे पसंद नहीं है। अगर किसी ने कुछ भी गड़बड़ की तो सीधे गेट से बाहर। क्या बात है जीजू, ये तो बिल्कुल आपकी तरह निकला। सबने सुना है ना इसने क्या कहा, अब से सबको बिल्कुल चौंकना रहना होगा। मैंने ये खासकर आपके फायदे के लिए कहा प्यारे मामाओ। ओहो, अच्छा तो तुमने हम तीनों को ग्रुप का लीडर बना दिया है। शुक्रिया भांजे। वेरी गुड, वेल सेड माय सन। थैंक यू डैडी। कम ऑन। ये है मेन डॉक्यूमेंट्स, चेक बुक्स, मेन की ऑफ पावर। माय डियर सन, आज से इस पूरी कंपनी को तुम आगे बढ़ाओगे। आज से तुम बॉस हो। थैंक यू डैडी। अब से मैं घर पर आराम से बैठ कर रिलैक्स करूंगा। जरूर जरूर डैडी। आज हम बहुत ही ज्यादा खुश हैं जीजू, आपका बेटा लौट आया है और आपने सारा साम्राज्य से सौंप दिया है। ये खुशी हम शब्दों क्या गानों में भी बयान नहीं कर सकते। लगता है मेरे बेटे की आने की खुशी मुझसे ज्यादा तुम लोगों को है। चाबी मेरे हाथ में है और मैं तुम लोगों के हाथ में, इसी बात की खुशी हो रही है ना। बेटा तुम्हारा सयाना है। मम्मी, बाय मम्मी। ए, ये क्या, अभी तो तू हॉस्टल से लौटी है और अब वापस कहाँ जा रही है? आप ही ने कहा था ना कि काली लौट आया है तो उसे जाकर मिलना होगा ना। बाय।
काली से इसको बड़ा लगाव हो गया है। वो तो होगा ही ना, आगे जाके शादी जो करेगी। अरे तुम दोनों ना अब ऐसी बातें बिल्कुल मत करो, हम लोग बहुत खुश हैं कि शादी उससे होगी। देखा ना कैसे भाग गई। करेक्ट। तुम हमेशा रानी के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? आंटी। हाँ। हाय। 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 तुम अचानक से ये सरप्राइज। आंटी तू अपनी चाय। सब लोग उससे मिल चुके हैं, अच्छा हुआ तू भी आ गई। आंटी मैंने सुना काली लौट आया है, मुझे तो माँ ने अभी बताया। अच्छा तो तुम हम सब से मिलने नहीं आई हो, अपने कजिन से मिलने आई हो। हाँ हाँ उनसे मिलकर तो मजा ही आएगा, हमसे मिलकर थोड़ी कोई मजा आएगा। हाँ हाँ ठीक है जा अपना काम कर। हाँ हाँ करती हूँ, बोलना थोड़ी मेरा काम है। आंटी बताइए ना कहाँ है वो? वो देखो आ गया। तुम? क्या बात है, तुम एक दूसरे को जानते हो? मेरा मतलब यही काली है, मैं ये पूछ रही थी आंटी। बेटा तुम सपना से मिल चुके हो क्या? नहीं बिल्कुल नहीं माँ, अब मेरा मतलब है कि तुम भी मेरी रिश्तेदार हो ना। हाँ जी। ओ अच्छा, मुझे लगा तुम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हो, बोलना थोड़ी मेरा काम है, छोड़ो। ये भी ना। क्यों भाई इसे पहचाना नहीं क्या? ये हमारे सबसे बड़े मामा की बेटी सपना है। सपना? भाई तुझे पता है क्या सपना ने तुझे कितना मिस किया? अच्छा हाँ? अच्छा तो क्या हमने मिस नहीं किया? मैं तो कहती हूँ तुम सब लोग एक साथ इसे मिस मत करना, इसने ठान ली तो सबका बदन दर्द करेगा। हाय मेरा काम बात करना थोड़ी है। तू चुप कर, इसकी बातों पर ध्यान मत दो बेटा, तुम हाथ मुंह धोकर आओ। हाँ ठीक है। आंटी आंटी मैं जाकर उससे बात करके आती हूँ। ये हमेशा जल्दी में रहती है, तेरी शादी तेरे भाई की शादी एक साथ करवा देंगे, ठीक है ना? क्या माँ मजा आ गया, जिंदगी एकदम बिंदास। कौन हो तुम? बोला ना सबने, फिर भी पूछ रही हो? चुप रहो, तुम एक बाजारू गुंडे हो। तुम लोगों से पैसे वसूल करके क्रिमिनल की तरह जीते हो, तुम काली नहीं हो सकते, तुम बस एक गुंडे हो और कुछ नहीं। मेरी मामी और मामा जी तुम्हें अपना खोया हुआ बेटा समझते हैं, जबकि हकीकत में तुम एक गुंडे मवाली हो। तुम उन्हें बेवकूफ बना रहे हो, उनके पैसों के लिए यहाँ आए हो। हाउ डेयर यू? मैं यहाँ पैसे के लिए आया हूँ? तुम्हें गुंडे को अगर रामायण पढ़ाओगी तो वो राम के बजाय रावण को ही पूजेगा। अब देखो धोखे की वजह से तुम्हारा और मेरा रिश्ता जुड़ गया, अब तुम मेरी रिश्तेदार हो और मैं भी तुम्हारा रिश्तेदार। छोड़ो। अब तो मैं तुम्हें अपना बना कर ही रहूंगा। देखो बेटा। अरे चुप। क्या देख रहे हो बेटा, ब्लू फिल्म तो नहीं? अरे मामा ऑफिस का काम देख रहा हूँ। ऑफिस का काम देख रहे हैं? इसको पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, ऑफिस फाइल पढ़ने का नाटक कर रहा है। तुम तो बड़ी जल्दी बड़े हो गए बेटा। मेरे बड़े होने की फिक्र छोड़ो, अपनी फिक्र करो कि आपकी लाइफ कैसी होगी। अच्छा जोक मारा, अच्छा जोक मारा। शट अप, टाइम वेस्ट मत करो और बताओ यहाँ क्यों आए हो। वो क्या है, बेटा हम बड़ी मुसीबत में हैं। ये समझ लो कि जान भी जा सकती है। बहुत बड़ी मुसीबत में है बेटा। चुप रहो। मुंह बंद करके बैठ नहीं सकता, तू कुछ उठपटंग बोलेगा और वो कुछ अलग ही समझ लेगा। वो क्या है ना बेटा, हमें अर्जेंट में 100 करोड़ चाहिए। 100 करोड़ रुपए कैश कैश। कर दो बेटा, कैसे भी जुगाड़ कर दो। देखो इसने चेक बनाया, साइन कर दिया, दे रहा है दे रहा है। ये क्या है, 70,000? करंट बिल है मामा जी। करंट बिल है? हमने तो 100 करोड़ मांगे थे। अगर मैं आपको 100 करोड़ दूंगा
तो मैं डैडी को क्या जवाब दूंगा? डैडी को? तू कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही घुस रहा है। आजकल कोई अपने असली बाप से भी नहीं डरता और तू पार्ट टाइम डैडी से डरता है। चलो मान लेते हैं वो तुम्हारे असली डैडी हैं, पर वो ऑफिस में आकर के अकाउंट चेक थोड़ी करेंगे। वो यहाँ आए या ना पूछे, फिर भी मुझ पे भरोसा करके ये चाबियां सौंपी हैं। पर हमने तो हमारी जिंदगी की चाबियां सौंपी हैं। अब डैडी के साम्राज्य को संभालना मेरी जिम्मेदारी है, समझे? अब तुम नेताओं की तरह बात मत करो वरना हम डर से कांपने लगेंगे। चाहे तुम डर से कांपो या ना कांपो, मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दूंगा। चलता हूँ। देखो भाई कैसे पलटी खा रहा है, अब हम इसके सामने भीख मांगते रह जाएंगे। इसका कोई तोड़ निकालो। निकालूंगा, जरूर निकालूंगा। क्या करोगे भाई? आंटी, आंटी। तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लगता। अरे बेटा, तुम ऐसे अचानक कैसे आ गए? मुझे बहुत बोर हो रहा था। माँ को जब देखो तो पूजा ही करती रहती है और डैडी मुझसे हमेशा ऑफिस की ही बात करते हैं, इसलिए मैं यहाँ आ गया। जस्ट फॉर चेंज मैं आ गया। अरे अरे, ये बच्चियाँ हैं। चलो 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 ना। लगता है तुम लोग अपने नए भांजे का ज्यादा ही ध्यान रख रहे हो। बेटा भांजे, जरा इधर आओ, बात करनी है। आओ ना, आओ ना। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें सारी एक्टिंग उस घर में करनी है? यहाँ तुम्हारा क्या काम है बोलो? मैं जो भी काम होता है दिल से करता हूँ, चाहे घर हो या फिर ऑफिस। अच्छा तो ठीक है, जायदाद का 50-50 भूल जाओ फिर। अब ये बताओ, यहाँ रुकू या फिर जाऊँ यहाँ से? जल्दी से बताओ। अच्छा रुक जा यार, जा। अच्छा जा। सुपर मामा, तब यहाँ आओ ना। आपके हिस्से का 50-50 सेफ है। मेरे भाइयों ने इसे 50% देने का वादा क्या किया, ये तो घर में ही 20-20 खेलने लगा। अरे इन्हें ना लोगों से बात करने की तमीज नहीं, ये सिर्फ अपने भाइयों की बात सुनते हैं और फिर सर खुजाते घूमते हैं घर पर। बिल्कुल सही कहा तुमने। सुनो बेटा, तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए तो बता देना, शर्माना नहीं, हम तुम्हारा ध्यान रखेंगे। आंटी, मैं बिग बॉस हाउस में वाइल्ड कार्ड एंट्री की तरह आया हूँ और अलग अलग लोगों के अलग अलग इमोशन होते हैं। अरे छोड़ो वो इमोशन, हमें जीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। सच में बेटा, जीवन में जैसे कोई रस ही नहीं बचा है। अरे मैं हूँ ना, तो मजे भी करेंगे और रस भी होगा। चल पगली, गाना लगा, लगाना गाना। मानता तो अचानक यहाँ थोड़ी आता। तो शुरू हो जाओ। पता नहीं कि इस अशुभ घड़ी में हमने इसे घर पे लाया था, घर को क्लब बना दिया, औरतों के साथ नाच रहा है। हर गुजरते दिन के साथ ये गले की हड्डी बन रहा है। वो भी कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी वाली हड्डी है। मुझे लगता है अब हमारे पास और कोई चारा नहीं। सच में? अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा, उसका बोरिया बिस्तर बांध कर पैकअप कर देते। कैसी बात कर रहे हो, उसका पैकअप करते ही हमारा स्वाहा हो जाएगा। अब इतनी दूर तक आ ही गए हैं तो जब तक लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता झेल लेते हैं उसे। झेल लेते हैं? अब इस तरह रोने से कुछ हो जाएगा क्या? हाय सपना। हे, तुम यहाँ? तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों आए हो? चलो जाओ यहाँ से। मुझे सपना आया कि मैं तुमसे मिल रहा हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया और तुम भाग रही हो। देखो कोरोना वायरस की तरह मुझे डराओ मत। अरे भांजे, What a surprise! हाय आंटी। कैसे मैं ठीक हूँ। आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए आया, और आपकी बेटी से प्यार भी करता हूँ। देखो ऐसा संस्कारी होना चाहिए हर दामाद। तुम बैठो बेटा, मैं जाकर कॉफी लेकर आती हूँ। प्यार से पेश आने की बात कहूँ तो अपनी माँ जैसी नहीं है। मैं कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो? सपना, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, तुम्हें अपने लिए प्यार नजर आएगा। मेरे दिल में देखो, वहाँ भी तुम ही हो, मेरे रोम रोम में तुम ही बसी हो। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो देखो, 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 देखो,
देखो ना, देखो, देखो। अरे नहीं देखना मुझे। देखो, क्या कर रहे हो यहाँ? अब अचानक से पूछोगे तो मैं शर्मा जाऊंगा। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या हो गया जी, इतना चिल्ला क्यों रहे? चिल्लाऊं नहीं, छोटी सी बात थी मामी। सपना और मैं तय कर रहे थे कि हम दोनों में से किसका दिल बड़ा है। सपना का कहना है कि इसका दिल बड़ा है और मैंने कहा कि मेरा दिल बड़ा है। बस यही बात हो रही थी मामी। वैसे कहना तो नहीं चाहिए पर इस घर में सबसे बड़ा दिल मेरा है बेटा। सच में मामी जी? अरे हाँ, मेरा भी दिल बड़ा है। तुम्हारा भी दिल तो दिखा सकते हैं। बंद करो एग्जीबिशन, बंद करो। इस घर की सारी औरतें प्रदर्शन करने निकल पड़ी है। अंदर जाओ दोनों, जाओ अंदर। चलो बेटा, चलो चलो अंदर सब चलो। और तुम खबरदार, जो तुम इनके नजदीक गए तो, और गए भी ना तो सिर्फ चेहरा देखना, उनके दिल में झांकने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है मैं कुछ ज्यादा ही करेक्टर में घुस गया हूँ मामा जी? निकल यहाँ से। इस पर लगाम कसना ही होगा। सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? निकल जाओ यहाँ से, जाओ। क्या हो गया मामा जी? आप गॉड डॉग का रोल काफी सीरियसली निभा रहे हैं। तुम्हें और कोई जगह नहीं मिली थी मजाक करने के लिए? हैं? कौन है ये लोग? ये लोग विवेकानंद अनाथ आश्रम से आए हैं। इनको लगता है हमारे घर में ब्लैक मनी भरी पड़ी है, इसलिए चंदा मांगने आए हैं। जी सर, हर साल आपके डैडी हमें चंदा देते हैं, इस बार देर हो गई। हम ये अनाथालय 20 सालों से चला रहे हैं लेकिन इस साल हमें चंदा थोड़ा कम मिला है। बच्चे बढ़ गए हैं, इस साल तो उन्हें खिलाने के लिए हमारे पास पैसे भी नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो इसे बंद करना पड़ेगा। बंद करनी पड़ेगी तो कर दो ना, कोई दारू की दुकान थोड़ी है कि गवर्नमेंट को इससे फायदा होगा। अरे मामा, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम झुको जरा। पर क्यों? अगर तुम नहीं झुकोगे तो मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। रुको बेटा। अरे झुको ना, झुको। ₹5 लाख? अच्छा तो कम लग रहा है, तो इसमें और जोड़ देता हूँ। क्या कहा, 15 लाख? ये भी काफी नहीं है? नहीं रहने तो बेटा, रहने तो बहुत है। अपने पैसे नहीं ना इसलिए दरिया दली दिखा रहा है। ए, मैं अपने डैडी का पैसा दान नहीं कर सकता। तुम्हारे डैडी? मेरे डैडी नहीं है क्या? ठीक है मैं जाता हूँ यहाँ से। अरे नहीं 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 नहीं, रुको, तू झुक ना यार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चलते हैं। सुनो बेटा, यही हाल रहा तो किसी दिन हम फुटपाथ पे देखेंगे। मैं यहाँ जब तक हूँ, आपको क्या लगता है कि कुछ नहीं दूंगा? भाई, ये हमारा सपोर्ट कर रहा है या हमारे खिलाफ है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस कर, मंगलवार के दिन सिर नहीं खुजाते। बेटा सपना। क्या बात है डैडी, क्या हुआ है डैडी? ऐसी शक्ल क्यों बना रखी है आपने? बेटा तुम्हारी मदद चाहिए हमें। मदद? हाँ बेटा, ऐसा समझ लो कि हमारी लाइफ अभी आईसीयू में है। हमें ये भी नहीं पता कि कब हमारी जान चली जाए। और थोड़ी देर बाद तुम हमारी डेड बॉडी के साथ सेल्फी ले सकोगी। असल में क्या हो गया डैडी? बात ये है कि आज से एक महीने पहले हमने एक भारी सा प्लान बनाया था। कैसा प्लान डैडी? है बेटी एक प्लान, तुम सुनो तो सही, बताओ वो घटिया प्लान। ठीक है, वो क्या है? मैं बुरा वक्त था भाई। हम कोई सिनेमा नहीं बना रहे कि खींच खींच के बता रहे हो, शॉर्ट में बताओ। अरे बेटी मैं बताता हूँ ना शॉर्ट में, हम लोग कर्ज में डूबे हुए हैं, हमारी जान उन लोगों के हाथ पे है। तो अब हमें इस समस्या से निकालने के लिए तुम लड़कियों को अपना सारा टैलेंट लगाकर काली को कन्विंस करके इस स्टैम्प पेपर पर उसका सिग्नेचर लेना होगा। तो आप लोगों को उसका साइन चाहिए। मेरी होशियार बच्ची। क्या हुआ जी, आप किस पेपर के साइन की बात कर रहे हैं? टैलेंट की बात कर रहे हैं? तो इस घर में मुझसे ज्यादा कोई टैलेंटेड नहीं है। मैं एक बार ट्राई करूं? मुझे ट्राई करने दीजिए ना। तुम्हें? हाँ। मुंह बंद करो। सुनिए, मैं ट्राई करके देखूं क्या? सुनिए, मैं भी ट्राई कर सकती हूँ। मोहल्ले का रंगोली कॉम्पिटिशन नहीं है कि तुम लोग ट्राई करोगे, चुपचाप अंदर जाओ। हर कोई ट्राई कर रहा है इसीलिए हालत है घर की। हमें तो कोई टैलेंट नहीं है और हमारा इस्तेमाल नहीं करने देते। चलो चलते हैं। तुम चाहे उसे टल्ली करो, मोहित करो या प्यारी प्यारी बातें करो, पर इन पेपर्स पे साइन करवाओ। पर ये तो गैर कानूनी होगा। अरे बाबा, कोई बाहर वाला करेगा तो गैर कानूनी होगा, हमारे बीच में तो सब कानूनी है। और गुस्से में आके अगर उसने ऐसी वैसी हरकत कर दी तो रिश्तेदार है ना, चलता है। अरे नहीं नहीं नहीं, वो कोई रिश्तेदार नहीं है। रिश्तेदार नहीं है, इसे पता चल गया क्या? चुप रहे, गाली की चिंता मत करो बेटा, वो भी तुम्हारा रिश्तेदार ही है ना? हाँ, वही तो मैं बोल रहा था कब से। पर फिर भी इतना बड़ा रिस्क लेना जरूरी है क्या? हाँ बेटा, हमारी खातिर, हमारी जान पे बनी है। ठीक है, हमारा काम होना चाहिए, चाहे जो भी हो कोई बात नहीं, आखिर है तो हमारा रिश्तेदार। रिश्तेदार? थैंक्स मेरे बच्चों, सारी तैयारी हमने ऊपर कमरे में करके रखी हुई है, देर किस बात की, शुरू करो, फोन करो उसको, फोन। आओ बच्चों जल्दी जाओ। भाई, बच्चियों को दांव पे लगाना जरूरी था?
जायदाद ज्यादा जरूरी है। से इस जायदाद के मालिक हम हैं। ये कमाल हमारी बेटियों ने कर दिखाया है। तुम्हारा जवाब नहीं भाई। भाई मार। आ बेटा आओ। हमारी बेटियों ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया? मुझे परेशानी नहीं, नहीं नहीं, कमाल की थी वो तो। उसने किया कोऑपरेशन और मैंने किया ऑपरेशन। कमाल का आइडिया था। ऐसे प्लान आप लोग रोज क्यों नहीं बनाते? रोज बताना थोड़ा मुश्किल होगा। एक दिन छोड़ के एक दिन चलेगा? ऐसा है तो परसों तो मैं पक्का आऊंगा। तुम लोग मुझे फंसाने के चक्कर में हो ना, अब बताता हूँ तुमको। भाई पेपर देखो ना, उसने तो मेरा साइन कर दिया है। सिर्फ तुम्हारी साइन ही नहीं, ये तो मेरे साइन भी करके चला गया। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ये आदमी हमारे प्लान के लिए ठीक नहीं है। अब देख लो कैसे हमारे रास्ते का कांटा बन गया है। इस कांटे को निकालना मुझे भी अच्छी तरह से आता है। जिस स्पीड से ये काम कर रहा है ना, हम इसे नहीं, ये हमें कांटे की तरह निकाल फेंकेगा। Hey, shut up! देखते जाओ अब मैं इस गुब्बारे को कैसे फोड़ता हूँ। सुनिए जी, इतने सालों बाद हमारा बेटा लौटा है तो मैंने सोचा। हाँ, क्या सोचा? हमारी बेटी ने कहा था कि जब तक उसका भाई नहीं लौटेगा वो शादी नहीं करेगी। तो तुम कहना चाहती हो अब उसकी मंगनी भी हो चुकी है तो उसकी शादी करवा दे, है ना? हाँ बिल्कुल। क्यों भाई, आज क्या डेट है? 15 तारीख है। भाई साहब मैं श्रीनिवास बोल रहा हूँ। हाँ जी भाई साहब नमस्कार, मैं आपको फोन करने की सोच रहा था लेकिन आपका ही फोन आ गया। भाई साहब कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है, मैं सोच रहा था कि कल ही शादी की तारीख पक्की कर दें। अगर शुभ मुहूर्त है तो फिर देर किस बात की, आप जैसा कहें भाई साहब। बहुत अच्छी बात है, मैं फोन रखता हूँ। भाई साहब आपका समधी बनना मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, मैं तो धन्य हो गया भाई साहब। हम तो लड़की के घर वाले हैं भाई साहब। जब लड़की एक घर से दूसरे घर में जाती है तो दोनों परिवार के लिए शुभ होता है। देखिए भाई साहब, हमने सोचा है कि यहाँ पर जो प्रसिद्ध मंदिर है शादी वहीं पर होगी तो अच्छा ही होगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है शादी वहीं करेंगे। पंडित जी आप शुभ मुहूर्त निकालिए। अरे हाँ हाँ पंडित जी बताइए ना। जीजा जी ये क्या? जीजा जी अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करने की सोच रहे थे ना आप? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था। ठीक है पंडित जी आप तारीख बताइए। ये तय हुआ है कि श्री गंग रेड्डी चंद्रशेखर राव की इकलौती सुपुत्री हासिनी राव का विवाह श्री नंद रेड्डी श्रीनिवास राव के इकलौते बेटे विक्रम कुमार से अगले महीने की 12 तारीख को संपन्न होने का शुभ मुहूर्त निकला है। तो चलिए एक दूसरे को शगुन दे दीजिए। तो वहाँ वो लोग शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं और आप लोग बड़े ही आराम से बैठकर पांच चबा रहे हैं सोफे पर बैठकर। आज तक आप लोग वो प्लान ये प्लान ये प्लान सब करते रहे और क्या हासिल हुआ? कुछ भी नहीं। पर अब मेरा प्लान आप लोग सुनोगे। रुक जाओ ना, आ रही हूँ। अरे जल्दी कर, शादी के लिए लेट हो रहे हैं हम। तुझे और कितनी देर लगेगी नहाने में? आ रही हूँ, शांति से नहाने तो दो, जल्दी निकल, शादी के लिए देर हो रही। हाँ, है कब से बाथरूम गई है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही। सपना सपना क्या हुआ? आ रही हूँ ना। अरे तेरी शादी नहीं है, तेरे मामा की बेटी की शादी है, पता है मुझे। Thank you.
नमस्ते। नमस्ते बेटी, क्या हुआ समरी जी, काली नहीं आया? वो निकल चुका आता ही होगा। जल्दी से दुल्हन को बुलाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। बैठो बेटी। बेटा काली, तुम कहां पर हो? शादी शुरू हो चुकी है। ठीक है डैडी, बस पहुंच ही रहा हूं, बस 5 मिनट। तुम लोग और हमें किडनैप क्यों किया है? सब्र रखिए मामा जी, ये तो भाड़े के गुंडे, इन्हें क्या पता होगा? मुझसे पूछे, मैं बताता हूँ आपको। तो तुमने ये सब किया है? हाँ मैंने, कोई डाउट है क्या? ये तो होना ही था जीजा जी, अपनी बेटी से आपने इसकी शादी नहीं करवाई, पर अब उसके मामाओं का सम्मान तो कीजिए। भूषण। अरे जीजा जी, इमोशनल होने का टाइम नहीं बचा है, अभी शांति से बात सुन लीजिए ना। हाँ जीजा जी, इसने बिल्कुल सही कहा है। इतने सालों तक आपने लाखों रुपए कमाए और हम पीछे पीछे दुम हिला के चलते रहे। हम आपके लिए इतना कुछ करते रहे, फिर भी ठनठन गोपाल रहे। तो अब आप जब अपनी जायदाद हमारे नाम कर देंगे तो हम उसे आपस में बांट लेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। उसके बाद आप मौज कीजिए। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, हम सबको जाने दो। अगर मेरा बेटा यहाँ आ गया तो तुम सबको जान से मार देगा वो। अरे उसके बारे में भी सोच लिया है मामा जी, आखिर उसे भी तो साइन करना होगा ना। हेलो काली, तुम्हारा पूरा परिवार बड़े आराम से गले में फंदा लगाकर एल्यूमिनियम फैक्ट्री में खड़ा है। जल्दी से यहाँ आओ और छुड़ा लो, जल्दी आओ। ए, तुम लोगों ने अपनी मौत को यहाँ बुलाया है समझे? अगर मेरा बेटा यहाँ आ गया ना तो तुम लोग घर नहीं लौटोगे। जीजू, आपको लगा वो सच में आपका बेटा है? अरे नकली है, वो क्रिमिनल है। ये सच है जीजू, आपकी जायदाद की खातिर हमने उसे आपका बेटा बना कर लाया था। सुनो, तुम जो चाहे उसे पाठ पढ़ा लो, लेकिन वो मेरा बेटा है। नहीं मामा जी। काली कौन है? मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आओ बेटा आओ, अब तुम बोलोगी तो शायद मान लेंगे। आओ। काली सिर्फ एक गुंडा है मामा जी, लोगों के पैसे वसूलने वाला सिर्फ एक मामूली सा सड़क छाप गुंडा है वो। आपकी जायदाद की लालच में उसने आपका बेटा बनने का नाटक किया है बस। मैं सच जानती थी लेकिन आपको बता नहीं पाई। मामी इतनी खुश थी कि उनका बेटा लौट आया है। उनकी खुशी देखकर मैं उनका दिल तोड़कर उन्हें दुखी नहीं करना चाहती थी। जीजू ये सच है? ये सच नहीं है। क्या मतलब? वो हमारे पास तब आया था जब वो 10 साल का था। बाद में पता चला कि वो घर से भाग कर आया हुआ है। वो हमारे बीच पला, हमारे बीच रहा, हम सबको मदद की उसने। माना कि गुंडे की तरह बड़ा हुआ लेकिन उस काले गुंडे की तरह कभी हरकत नहीं की उसने। आंटी, क्या काली ने आपको पैसे दिए उसकी तरफदारी करने के लिए? हमें यहाँ आकर झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अभी दिखाती हूँ, सबूत चाहिए? ये देखो,
जब हमारे पास आया था तो ये ताबीज पहना था। लो पकड़ो इसे, ये देखो ये कपड़े हैं, ये कपड़े पहनकर भागा था वो घर से। ये सारी कहानियां सुनाना बंद करो, इसकी चड्डी और तावीज से कुछ साबित नहीं होता है। ठीक है, तो डॉक्टर की बात तो मानोगे ना? हाँ, डॉक्टर। रुक जाओ, डॉक्टर साहब भी यहीं आ रहे हैं। सच क्या है इन सबको बता दीजिए डॉक्टर साहब। सर असल में हुआ ऐसा कि कल चंद्रशेखर राव एक लड़के के साथ आपके पास आएंगे और उसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे। आपको बस इतना बोलना है कि उनका डीएनए उसके साथ मैच हो गया है। ये गलत बात है, मैं एक डॉक्टर हूँ, सच बोलने की शपथ ली है मैंने। इसका मतलब तुम झूठ नहीं बोलोगे? अगर फायदा होगा तो झूठ बोल दूंगा। इन्होंने मुझे 2 लाख रुपए की रिश्वत दी थी सर, और टेस्ट में ये पता चला कि सच में ये लड़का आपका ही बेटा है। ये सच है सर। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया ताकि सबको सच पता चले। ओके सर, चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। सुनिए मामा जी, अगर वो सच में आपका बेटा है तो वो जरूर यहाँ आएगा, और आएगा तो मेरे हाथों मारा जाएगा। तुम लोगों ने अपनी मौत को बुलाया है, अब देखो मेरा बेटा वहां खड़ा है। हेलो, इस पर साइन करोगे तो ही तुम्हारे परिवार को छोड़ देंगे। अगर साइन नहीं किया तो? अगर नहीं किया तो मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा साइन कैसे लेना है। ए, तो डालो इसे। जहाँ बोलूँ वहाँ साइन कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मत मारो मेरे बेटे को, छोड़ दो। मुझसे वादा करो तुम कभी भी मारपीट नहीं करोगे। सुनिए जी, वो मर जाएगा, आप रोकिए ना उन्हें, कुछ करिए ना आप। मामा जी, पेपर्स ले आइए। चल साइन कर इस पर, चल कर। देखिए ना, आप जब तक नहीं बोलेंगे वो मार खाता रहेगा। आप चुप रहेंगे तो मेरा बेटा मर जाएगा। साइन करेगा या मार खाकर मर जाएगा? जल्दी साइन कर, जल्दी। मेरा बेटा। साइन कर। मेरा बेटा। कितना मारा उसे? देख क्या रहे? बोलिए ना कुछ। पार्वती, शेर जब तक घायल नहीं होता तब तक जोर से दहाड़ता नहीं है। काली, इनमें से एक को भी तू जिंदा मत छोड़ना। उठ जा। Hey!
आराम से। माँ। बेटा। माफ कीजिएगा मामा जी, मैंने काली को गलत समझा। कोई बात नहीं बेटा। Well done, my boy. काली, मुझे माफ कर दो काली, मैंने तुम्हें गलत समझा। जीजू, हमें माफ कर दो जीजू। मुझसे नहीं किसी और से तुम्हें माफी मांगनी है। तुमने इसे सड़क छाप गुंडा कहा था ना, और इसने खुद को गुंडा और मेरा बेटा दोनों साबित किया है। इससे माफी मांगो। माफ कर दे भांजे। जो तुम तीनों ने किया उसके लिए तुम तीनों के टुकड़े कर देना चाहिए। लेकिन तुम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। तुम लोगों ने मेरे परिवार से मुझे मिला दिया, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। ये तो बड़ा कमाल का निकला। हमारा काली हमेशा से कमाल रहा है।